Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकिंग रसोई। आज हम सूजी का चीला या सूजी का उत्पम बनाने जा रहे हैं, जिसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दो कटोरी हमने सूजी ले रखी है, एक कटोरी दही, एक छोटी ऑनियन, एक कैप्सिकम छोटी, उसी में ग्रीन चिलीज मिक्स है, एक डीसीज टमाटो, रेड चिली और मस्टर्ड सीड्स। सॉल्ट टू टेस्ट हम मिलाएंगे। इसके सबसे मेन चीज है, इसमें हम दो कटोरी सूजी मिक्स करेंगे बाउल में। इसमें हम एक कटोरी जो दही है उसे मिक्स करेंगे। ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब उसी में दही वाली कटोरी में एक कटोरी हम इसमें पानी मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जैसे इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डाल देंगे, जैसे हमें स्वाद अच्छा लगे उसी हिसाब से इसमें सॉल्ट मिला दीजिए। उसे मिक्स करके आधे घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है, उसके बाद में देखिए हमारा बैटर कैसे फूल चुका है। और इसमें हम बाकी आइटम्स मिक्स करेंगे, देखिए कितना गाढ़ा फूल के हो चुका है। इसमें हम ऑनियन मिक्स करेंगे, कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज, टमाटो, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर काफी हमारा गाढ़ा है, अब इसको हम थोड़ा सा पतला भी करेंगे, और इतना पतला करेंगे जैसे कि हम पकौड़ों का जो पेस्ट बनता है उस तरह का बैटर होना चाहिए हमारा। राई डाली तुमने इसमें? इसमें हमने आधा कप पानी डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स करें। अभी भी बैटर हमारा काफी गाढ़ा है, इसमें फिर भी पानी और मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें एक टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स या राई डालेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें रेड चिली डालेंगे, लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें। अभी बैटर बिल्कुल रेडी है बनने के लिए, अब हम इसको हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने जब इसमें पानी मिलाया होगा तो सॉल्ट कम हो गया होगा, तो उसमें सॉल्ट जरा टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो और मिक्स कर लीजिएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं। एक नॉन स्टिकी पैन लीजिए, गैस पे उसको गर्म करें और उसके ऊपर अब देखिए डालते हैं। डेढ़ कलछी हमने इसके ऊपर बैटर डाल दिया है और इसको अच्छे से फैला लीजिए और उसको पकने दीजिए, और मीडियम गैस पे इसको अब हम कुक करेंगे कम से कम 5 मिनट लिए। अब हमारा काफी कुछ बन चुका है, उसमें हम रिफाइंड डालेंगे साइड्स में, जैसे इसको निकलने में या टर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। बिल्कुल आसानी से टर्न निकल गया है, अब इसको हम टर्न कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा, और इसको दबाएं। अब इसमें थोड़ा सा और रिफाइंड डालें, जैसे कि नीचे वाला है बेस जो है हमारा, वो भी बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। इसको दबा दबा के पकाइएगा। जब हमारा ऑलमोस्ट कुक है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको पलट के देख लीजिए, देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा। दोनों तरफ से बहुत अच्छे से क्रिस्पी सिक चुका है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लीजिए। अब हम दूसरा बनाएंगे,
सेम उसी तरीके से गैस स्लो कर लीजिए। डेढ़ कलछी इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। ज्यादा पतला नहीं करेंगे, टूटने के चांसेस हैं, और इसे कुक होने देंगे। और साथ में ही यहां पे हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे साइड्स में, जैसे अच्छे से साइड क्रिस्पी हो जाएं। अब हमारी एक साइड बिल्कुल रेडी है, उसको हम टर्न करेंगे। देखिए कितने आराम से टर्न हो जा रहा है, उसको दबा दबा के पकाएंगे। और यहां पे भी मस्टर्ड ऑयल डालें, रिफाइंड मस्टर्ड जो आपको अच्छा लगे वो ऑयल डालें, इवन देसी घी का भी यूज कर सकते हैं हम। ये हमारा बिल्कुल 2 मिनट में रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। इसको हम चटनी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा दोनों तरफ से देखिए अच्छे से सिक चुका है, अब इसे हम निकालेंगे और प्लेट पे प्लेट करके चटनी सॉस के साथ में सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।